मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है। बेल मिलने के बाद राहुल ने ट्वीट कर कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसमें सत्य ही मेरा अस्त्र है। राहुल ने सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं सजा रद्द करने को लेकर उनकी याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से 16वीं और 17वीं सदी के मुगल दरबार से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। ये बदलाव इसी सेशन से देश भर के उन स्कूलों पर लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा है। इसमें सीबीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड भी शामिल है। एनसीईआरटी ने 10वीं और 11वीं की किताबों से भी कई चैप्टर हटाए हैं। सीबीआई के डायमंड जुबली प्रोग्राम में पीएम मोदी ने अफसरों से आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। साथ ही शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। फिनलैंड आज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का मेंबर बन जाएगा। वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने इसकी जानकारी दी है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। यहाँ आज दोपहर संगठन के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में फिनलैंड को संगठन का सदस्य बनाने की औपचारिकता पूरी होगी। रूस के साथ फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भूटान के किंग जिग्मे वांगचुक दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला।